जी अस्सलामुअलैकुम सामईन, मैं हूँ DM बिलावल और SQL की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं SQL ऑपरेटर्स के बारे में कि SQL के कितने और कौन कौन से ऑपरेटर्स होते हैं। तो बेसिकली SQL में ये जो पांच ऑपरेटर्स हैं वो ज़्यादातर इस्तेमाल किए जाते हैं, जिनमें पहला होता है लॉजिकल ऑपरेटर, जिसमें एंड और एंड नॉट जो है वो यूज़ होते हैं। मैथमेटिकल ऑपरेटर होता है जिसमें प्लस माइनस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन इस्तेमाल होता है। असाइनमेंट ऑपरेटर में इक्वल टू इस्तेमाल होता है। इसके अलावा लाइक ऑपरेटर में जो है वो लाइक ऑपरेटर यूज़ होता है। तो कंपैरिजन ऑपरेटर में लेस देन, ग्रेटर देन, लेस इक्वल टू, ग्रेटर इक्वल टू जो है वो यूज़ होते हैं। तो सबसे पहले हम लॉजिकल ऑपरेटर के बारे में पढ़ते हैं कि एंड और नॉट को हम जो है वो किस तरह से यूज़ कर सकते हैं SQL के अंदर। तो सबसे पहले मैं कहूँगा कि मेरा टेबल जो है वो फ्रॉम एम्प्लॉय से जो कि मेरे पास है, तो यहाँ पर मैं कोई जो है वो एंड का जो ऑपरेटर यूज़ करना चाहूँगा, तो मैं लिखूँगा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP वेयर। मैंने कहा कि वेयर एम्प्लॉय नंबर जो है वो 7499 हो, एम्प्लॉय नंबर इज इक्वल टू 7499। और इसके बाद मैं कहता हूँ और यहाँ जो है वो सैलरी इज इक्वल टू 1250, या मैं कहता हूँ 2450 सैलरी इज इक्वल टू 2540, 2450, 2450। तो मैं देखता हूँ कि इसका रिजल्ट मेरे पास क्या आता है। इसका रिजल्ट मेरे पास आया है कि 7499 जो है उसकी भी उसने कंडीशन ट्रू की है, और एम्प्लॉय नंबर वो जो है उसका डाटा उठा के लेके आया। इसके अलावा सैलरी जिसकी जो है वो 2450 है उसका भी डाटा उठा के ले गया, मतलब उसने दोनों कंडीशन जो है वो ट्रू की हैं कि जिसका एम्प्लॉय नंबर 7499 है उसका डाटा ले गया है, और इसके अलावा जिसकी सैलरी 2450 है उसका जो है वो डाटा ले गया है। तो इस तरह इसको हम और कंडीशन कहते हैं, और ऑपरेटर जो कि दोनों कंडीशन को जो है वो ट्रू करता है। इसके बाद एंड ऑपरेटर आता है। एंड ऑपरेटर जो है वो एक कंडीशन को ट्रू करेगा। तो मैं जो है वो इसे लिखता हूँ और की जगह, मैं अब एंड करके देखता हूँ। तो उसने कहा कि नो रोज सिलेक्टेड, कि मुझे पास कोई भी रोज नहीं आई है, कि जिसका एम्प्लॉय नंबर 7499 है यहाँ पे, तो उसकी सैलरी जो है वो सैलरी उसकी 1600 है, लेकिन यहाँ पर मैंने कहा एंड उसकी सैलरी जो है वो 2450 हो, लेकिन उसने कहा कि दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तब भी वो रिजल्ट शो करवाएगा, क्योंकि 7499 की सैलरी जो है वो 1600 है, ना कि 2450 है। तो इसके लिए मैं कहता हूँ सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर। मैंने कहा कि वेयर एम्प्लॉय नंबर जो है EMP एम्प्लॉय नंबर बराबर हो 7499 एंड इसके अलावा मैंने कहा कि उसका जो है उसकी सैलरी 1600 हो। मुझे उसने जो है वो रिज़ल्ट शो करवाया, क्योंकि दोनों कंडीशन ट्रू हुई हैं, क्योंकि जिसकी 7499 जिसका नंबर है उसकी सैलरी भी 1600 है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जिसका एम्प्लॉय नंबर 7499 है वहाँ पर उसकी सैलरी 1600 है। तो मैंने कहा कि 7499 और उसकी सैलरी जो है वो 1600 हो तो उसको शो करवाए। तो उसने जो है वो उसका रिकॉर्ड शो करवाया, क्योंकि दोनों कंडीशन
ट्रू हुई हैं। इसके अलावा इसमें हम और भी चेंजेस कर सकते हैं। मैंने कहा कि सैलरी जो है वो ग्रेटर देन हो, यहाँ पर मैं कह देता हूँ 1000, तो तभी भी वो एक ही रो जो है वो शो करवाएगा। ये देखिए उसने ये कंडीशन ट्रू की तो उसे पता चला कि जिनकी सैलरी 1000 से ग्रेटर है वो तो बहुत सारे हैं। तो यहाँ पर आप देखिए 1000 से ऊपर कितने ही ज़्यादा एम्प्लॉय हैं। लेकिन जब उन्हें दूसरी कंडीशन देखी तो उसने कहा कि मेरे पास एम्प्लॉय नंबर जो है वो 7499 है, तो 7499 को ही मैंने शो करवाना है। तो उसने दोनों कंडीशन को जो है वो ट्रू कर दिया। इसके बाद जो है वो नॉट ऑपरेटर होता है। नॉट ऑपरेटर जो है वो किसी की नफ़ी करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैं कहता हूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर एम्प्लॉय नंबर इज़ इक्वल टू 4799। तो यहाँ पर अगर मैं कहता हूँ वेयर एम्प्लॉय नंबर नॉट इक्वल टू 4799 तो वो मुझे 7499 नहीं दिखाएगा बल्कि उसके अलावा जो सारे होंगे वो दिखा देगा। तो इसके साथ साथ और ऑपरेटर जो है मैथमेटिकल ऑपरेटर जिसमें प्लस माइनस एंड डिवीजन आता है तो उनको मैं यूज़ करता हूँ। मैं कहता हूँ सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, मैंने कहा वेयर वेयर जो कंडीशन लगाऊंगा या मैं इसको रहने देता हूँ। मैंने कहा सिलेक्ट एम्प्लॉय नंबर, इसके बाद ई नेम, इसके बाद मैंने कहा कि सैलरी जो है वो आए सैलरी, सैलरी के बाद मैंने कहा कि सैलरी जो है वो प्लस हो के आए, उसमें 1000 का इंक्रीमेंट हो गया है। तो इसके बाद मैंने कहा फ्रॉम ई एम पी, तो आप देखिए कि जो सैलरी मेरे पास है जब मैंने प्लस का ऑपरेटर यूज़ किया है तो उसने हर एक की सैलरी में 1000 ऐड कर दिया है। एम्प्लॉय नंबर और ई नेम जो लेके आ रहा है उनकी सैलरी में 1000 ऐड किया हुआ है। ऊपर उसने कॉलम में शो कराया है कि ये सैलरी में 1000 ऐड कर दिया गया है। तो इसी तरह आप नेगेटिव नफ़ी भी कर सकते हैं इसमें कि माइनस कर सकते हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ वेयर सैलरी माइनस, इसको मैं 500 कर देता हूँ। देखिए कि उसने जो सैलरी है टोटल सैलरी ये वाली उसमें से 500 माइनस किया है, 800 में से 500 किया और 300 रह गया। तो उसने यहाँ पर वो शो करवाया हुआ 300, 1100, तो हर एक की सैलरी में से 500 जो उसने माइनस कर दिया है। तो इसी तरह आप क्रॉस का ऑपरेटर यूज़ कर सकते हैं, डिवीजन का ऑपरेटर यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर कहता हूँ कि मुझे जो है एम्प्लॉय नंबर दे, ई नेम दे, इसके बाद मेरे पास जो है वो सैलरी उसको ज़रब दे दे, टू से उसकी सैलरी दुगनी करके दिखाए मुझे। तो फ्रॉम एम्प्लॉय, तो आप देखिए कि उसने हर एक की सैलरी जो है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है। 800 को 1600 करेगा, 16 को 3200 कर देगा। तो उसने हर एक की सैलरी जो है वो मुझे 2 से मल्टीप्लाई करके दिखाई है। तो इसी तरह आप जो है वो डिवीजन का ऑपरेटर भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने कहा कि मुझे क्रॉस के बजाय मुझे जो है वो डिवीजन कर दे, 2 पे उनकी सैलरी जो है वो 2 पे तकसीम कर दे। यहाँ पर मैंने सेमी कोलन दिया, बैक स्लैश, और उसने जो है वो हर एक की सैलरी को 2 पे तकसीम कर दिया है। तो इस तरह इसे हम मैथमेटिकल ऑपरेटर कहते हैं जिनमें प्लस माइनस ज़रब एंड तकसीम होता है। इसके अलावा असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, असाइनमेंट ऑपरेटर भी हम इसी वीडियो में करते हैं।
तो साइन में इंटरप्रेटर दरअसल इक्वालिटी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मैं कहता हूँ कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी एम्प्लॉय वेयर, मैंने कहा कि जिनका जो है वो डिपार्टमेंट नंबर 30 है, जिनका डिपार्टमेंट नंबर DPTNO। मैंने कहा वेयर डिपार्टमेंट नंबर जो है वो इज़ इक्वल टू है 30 के, तो उसने जिनका डिपार्टमेंट नंबर 30 है उसको इक्वल करके उसका सारा रिकॉर्ड स्टैरिक में जो है वो शो करवा दिया। तो इसी तरह आप जो है वो इसकी जगह कह सकते हैं वेयर ई नेम एंड एम्प्लॉय नंबर सेलेक्ट करवाए तो उसके लिए ये दो कॉलम जो है वो शो करवा देगा। वेयर डिपार्टमेंट नंबर इज इक्वल टू फलां, अगर मैं यहाँ पर कहता हूँ कि डिपार्टमेंट नंबर 30 ना हो, उसका उसका जो है वो एम्प्लॉय नंबर इज इक्वल टू 7844 हो, स्लैश दी तो उसने 7844 का जो है वो रिजल्ट शो करवा दिया है। तो इसी तरह आप जो है वो कंपैरिजन ऑपरेटर सॉरी असाइनमेंट ऑपरेटर को जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।